सो so, यूजली मैं uh, ये सारी चीजें कभी बोलता नहीं हूं बट आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर मी टू से सो एक college, एक कॉलेज आर्टिस्ट को जब बुक करता है तो आर्टिस्ट जो यूजअली पैसा चार्ज करता है उससे कम पैसा चार्ज करता है बिकॉज इट इज फॉर कॉलेज इट इज फॉर स्टूडेंट्स और फिर कॉलेज क्या करता है कॉलेज बाहर टिकट सेल करना स्टार्ट करता है विच इज नॉट अलाउड बिकॉज ये कॉलेज का शो है और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है ना ही कॉन्सर्ट है कि पूरे शहर भर में आप टिकट सेल करें बट कॉलेज वो करता है फिर क्या होता है दो uh, हजार की कैपेसिटी में पांच हजार या छह हजार या दस हजार लोग आते हैं एंड ओवरक्राउडिंग uh, हो जाता है सेफ्टी मेजर्स नहीं होते मोस्ट ऑफ द सारी जगहों पर ये सब होने लगा है uh, हम जाते हैं हम देखते हैं कि बच्चे सफर कर रहे हैं क्यों कॉलेज के बच्चे उनके कॉलेज के बच्चे सफर कर रहे हैं क्योंकि बाहर के इतने सारे लोग आ गए हैं जस्ट बिकॉज दे आर सेलिंग टिकट्स तो जो लोगों ने बाहर टिकट ली है उनका भी फॉल्ट नहीं है कॉलेज के बच्चों का भी फॉल्ट नहीं है बट कॉलेज इज सेलिंग टिकट ऑन द अदर साइड वेन वी आस्क देम हमारे इंजीनियर्स पूछते हैं कितना क्राउड रहेगा दो तीन हजार जब हम परफॉर्म करने जाते तब दस हजार लोग होते हैं तो हमने बोला होता हमने दो हजार के हिसाब से साउंड मांगा होता है दस हजार का क्राउड आ जाएगा किसी को शो अच्छा नहीं लगेगा सो आई थिंक और इतने सारे हादसे होने लगे हैं सफोकेशन के लोगों के पास लोग पीपल आर पेंटिंग इन द कॉन्सर्ट लास्ट ईयर वी डिड इंडिया टूर विच और जितने भी लोग आए हैं आई एम श्योर दे नो हाउ वेल मैनेज द टूर वॉज एंड बहुत सारी जगहों पर यह सब हो रहा है सो आई वुड रिक्वेस्ट द दॉलेजेस कि आप अगर शो कर रहे हैं तो अपनी कॉलेज के लिए करो ना ही uh, उस कॉलेज शो को आप कॉन्सर्ट बना दो uh, और अगर बना रहे हैं तो हमें पहले से इन्फॉर्म करें